सामान आज मेरे पास कैसे आना हुआ? अगर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। हे बेटी लाजवंती, हाँ काम कुछ जरूरी था जिसके कारण मुझे खुद चल के तुम्हारे पास आना पड़ा। आज हमारे दरबारों में दो साधु आए हैं और उन साधुओं के साथ में कई रोज का भूखा एक शेर भी है और उन संतों ने धोखे से तेरे ससुर से वचन भरवा लिए और वचन भरवा कर उन्होंने ऐसा कुछ मांग लिया जिसको ना तो मैं दे सकती हूँ ना ही तेरे ससुर दे सकते हैं। अगर उस दान को दे सकता है तो वो सिर्फ तुम दे सकती हो बेटी। लेकिन सासुमा ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको मेरे पास आना पड़ा है और ऐसी ऐसी बातें आप मेरे से कर रही हो, मुझे साफ साफ बताएं कि बात क्या है। साफ साफ तो कह दो मैं तुझसे लड़ू। हाँ पर इस शरीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो तुझसे कह पाऊं। पता नहीं तू सुनेगी या नहीं सुनेगी बेटी। और अगर सुनना ही चाहती है तो बात यह है कि उन संतों ने धोखे से वचन भरवा कर तेरे पति को दान में मांग लिया है लाडो। सासुमा हाँ आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी नई नई शादी होकर के आई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटती। सासुमा आप मेरे पति को मुझसे दान में लेने के लिए आई है। मैं जानती हूँ सासुमा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और ना ही तेरे हाथों का कमरा खुला है, लेकिन मजबूरी है बेटी। तेरे सामने तेरी सासू झोली फैला कर भीख मांगती है। नहीं अपने पति को दान में दे दे। नहीं सासुमा मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी। सुनिए Thank you.
कर कर रहते हैं बेटी, लेकिन सासू माँ आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आपका इकलौता लाल है। अगर इकलौते लाल की भेंट चढ़ा दोगे, दान में दे दोगे, तो इस आपकी कुल की बेल कैसे चलेगी सासू माँ। और एक बार मेरे बारे में सोचिए, इस दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं देखा है सासू माँ, इतना बड़ा जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। जानती हूँ बेटी कि तूने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। हाँ, अपने पति से हंस के बात भी नहीं की, लेकिन मजबूर हूँ बेटी, सुनिए मेरी बात। आया मेरा बार भी।
यीशु से बहुत मना किया था कि मैं अपने पुत्र वधु के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक औरत से उसका पति मांगना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन ये समझ के आई थी कि इस दुनिया में कहते आए हैं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही जान सकती है। लेकिन उन्होंने तो मुझे कह दिया कि अगर शेर को मांस ही खिलाना है तो अपने पति का खिला दे सासू मां। हे बेटी, तू इतना नहीं जानती कि अगर वो संत मेरे पति का मांस मांगते तो मैं तेरे पास कभी भी नहीं आती। हंसते हंसते अपने पति को दान में दे देती, क्योंकि कहा है कि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों के खातिर अगर मुझे अपना पति दान में देना पड़ता तो हंसते हंसते दान में दे देती लाडो। लेकिन सासू मां, यही बात मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, आपसे कह सकती हूँ कि एक औरत भी दूसरी औरत का दर्द समझती है। सासू मां, आपने मेरा कोई भी दर्द नहीं समझा, आपने तो अपने बेटे को 9 महीने रखा है अपनी कोख में जब जन्म दिया है। मैंने तो इस दुनिया में अभी कुछ भी नहीं देखा। सासू मां, अगर आप अपने बेटे को दान में देना चाहती हो तो सासू मां मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे भी जहर दे के मार। अगर मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझती तो बेटी तुमसे आज्ञा लेने नहीं आती। अपने बेटे को, मेरे बेटे पर मेरा भी हक है, मैंने जन्म दिया है, वही दान दे देती। लेकिन तेरा हक समझा इसलिए तेरे पास अपने पुत्र को मांगने के लिए आई। लेकिन जैसे आप मेरे पास आई हो वैसे ही वापिस चली जाओ। चली जाओ, अपनी बेटी दान में नहीं देना। चली जाऊंगी, सुनिए मेरी बात, सुनिए अपनी बात। माजड़े बिगाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा, तन्ने बादल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा, तन्ने बादल फाड़ दिए। नहीं देखे जहर मार तेरी मन ने, नहीं देखे जहर मार तेरी मन ने, तू मेरे से पैर करे, सुने का सुरैया पूरन दुश्मन करे करे। हरे राम बैस लेता वजन की पैर करे, हरे राम बैस लेते वजन की पैर करे। ओ अखी कुमार घनी नादान, अखी कुमार घनी नादान, Yeah.